नमस्कार, मैं खुशी वाले ठाकुर, आप देख रहे हैं मैनफ्री न्यूज। जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटी और नारियों की सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं आज प्रदेश में आए दिन छेड़छाड़ और रेप जैसे घिनौने अपराध दस्तक दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी के थाना क्षेत्र करहल के ग्राम असरोही में देखने को मिला, जहां कक्षा 3 की छात्रा जो कि घर से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी कि तभी गांव के ही सुभाष ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र का है, जहाँ एक गाँव में रहने वाली कक्षा 3 की छात्रा शाम 3 बजे ट्यूशन पढ़कर करहल सिरसागंज मार्ग पर अपने घर जा रही थी। गांव के ही सुभाष के घर के पास पहुंची सुभाष ने उसे अपने घर में बने कमरे में बैला फुसला कर ले गया। उसे कमरे में बंद कर अपने सगे साले रोशन सिंह से मिलकर उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे डाला। रेप से पीड़ित 9 साल की किशोरी व्याकुल होकर बेहोश हो गई और उसे नज़दीकी प्राइवेट चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहाँ होश आने पर उसने अपनी माँ को आपबीती सुनाई तो सभी की पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्यूरो रिपोर्ट मैनपुरी। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। क्या हुआ बच्चे के साथ? जी साहब, हमारी बच्ची ट्यूशन के लिए जा रही थी तो सुभाष के घर पर गई। सुभाष का साला घर में अंदर था, सुभाष दरवाजे पर खड़ा था। जब हमारी बेटी को पूछा बच्चा चंदनी क्यों है, तो सुभाष ने कहा अंदर है। तो बिटिया हमारी अंदर गई, सुभाष दरवाजे पर खड़ा था, सुभाष ने कुंडी कुंडी बिटिया अंदर हो गई। उसका साला अंदर था, उसने हमारी लड़की के साथ में बना पकड़ा और सुबह से भाग गया। लड़की हमारी बेहोश हो गई, बेड पर पड़ी रही। हाँ। तो लड़की बेहोशी के अवस्था में छोड़ के भाग गया बलात्कार करके। तो हमारी लड़की बेहोश आया तो लड़की वहाँ से उठी, उठने के बाद देखा तो कुंडी खुली नहीं, घर में कुंडी नहीं था। FIR दर्ज करा दिया? FIR सब दर्ज करा दिया। क्या हुआ, क्या घटना हुई आपके साथ, खुल के बताओ बेटा। कहाँ गई थी तुम? उसकी तो भांगी थी, मैं उनको टेल में गई। मैंने बोला वो कहाँ है, उसने कही छत पे आई और वो छत पे थी नहीं। मैंने कही टेरा दो, उसने बोला तुम चली जाओ। मैं गए, उसने नहीं की तो गेट बंद कर दिया, बाहर से उसके जी जाने बंद कर दिया सुभाष ने। अब मैं मेरे मामा कपड़ा उसे दिया, मेरे लग पड़ दिए, मैं गया रूस हो गई। फिर तुम्हारे संग कुछ गलत किया बेटा? करहल थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ता है असरोही, उसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ एक पड़ोस में रहने वाली एक युवक के दुष्कर्म हो रहा था। क्या पूरा ये मामला है, अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कर रहे हैं? कल शाम को लड़की एक बच्चे के पिता ने थाने पर आकर सूचना दी थी कि उसकी बच्ची के साथ एक पड़ोस में रहने वाले लड़के ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया है। लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया, उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में अभियुक्त की तलाश की गई, अभियुक्त तो नहीं मिल पाया है, लेकिन संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है। संभवतः हम लोग उसको आज शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे।